विनय सर ने हमें आज एक सरप्राइज दिया कि जो वर्कशॉप का लास्ट डे होगा तभी सर ने एक लकी ड्रॉ रखा है। उस लकी ड्रॉ में सर अलग अलग चिट्स रखेंगे जिनमें हम सभी का नाम लिखा होगा और विनय सर का बेटा आरव शाक्य उनमें से एक चिट निकालेगा और उस चिट में जिसका भी नाम लिखा होगा उसको विनय सर का 45,000 का कोर्स टोटली फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा और मुझे लगता है कि ये कोर्स मुझे ही मिलेगा। Let's act. जितेंद्र सिंह सोटी कम्मो बिमोदा मामा। अब मामा तो मामा ही होता है, कंस मामा। वैसे मेरी फितरत अजगर वाली है, मैं काटता नहीं निगल जाता हूँ। पिछले कई सालों से ये ढाबे को निगलना चाहता हूँ पर ये कम्मो और विमोद दोनों गले में हड्डी की तरह अटक जाती है। आज फिर उस पगले विमो को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। इस बार नया प्लान बनाऊंगा इनको हजम करने का। अस्सी जितेंद्र सिंह सोनी कम्मो विमोदा मामा, ये हुआ एक। दूसरा, सुनने में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है देखो। अस्सी जितेंद्र सिंह सोनी कम्मो विमोदा मामा, कौन सा अच्छा लग रहा है? There is voice modulation. वॉइस मॉड्यूलेशन है और उसकी वजह से मीनिंग जो है उसका वो बाहर आ रहा है। राइट, अगली लाइन। मामा तो मामा ही होता है। अब मामा तो मामा ही होता है। देख मामा, अब मामा तो मामा होता है, अब मामा तो मामा होता है, कंस मामा। कौन सा अच्छा लगा? क्या बदलाव नजर आया? ब्रीथिंग स्पेस, पॉज कहां लेना है, क्या लेना, बॉडी लैंग्वेज, फीलिंग, जेस्चर्स, इमोशंस, कहां देखना है, जेस्चर। सोचो एक दिन में 15 मिनट में आप इतने चेंज हो सकते हो, तो वर्कशॉप खत्म होने तक आपका क्या हाल हो जाएगा? लेट्स एक्ट के टेंडर्स वर्कशॉप का आज तीसरा दिन। आज का हम लोगों का सबक रहा कि ऑडिशन कैसे दिया जाए। हमने कल भी सीखा था कि ऑडिशन कैसे देना है, पर आज ऑडिशन की बारीकियों को समझा कि स्क्रिप्ट के एक एक शब्द में हमारे वॉइस और हमारे पिच का क्या असर पड़ता है। हम जब डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो डायलॉग डिलीवरी नहीं करते हुए उसमें बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन किस टाइप का रखना है, आज सर ने पूरा प्रैक्टिकल वर्कशॉप सिखाया। जो सर ने बताया कि बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन के भीतर हम कैसे अपने भाव और अपने एक्सप्रेशन कैसे हम निकाल सकते हैं हमारे कैरेक्टर में से, जो हमारी स्क्रिप्ट होती है स्क्रिप्ट में से हमारे कैरेक्टर को हम कैसे ढूंढते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन को एक्टर के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, कि मुझे विनय सर का ये एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला। विनय सर ने ये वर्कशॉप जानबूझकर 7 से 9 बजे तक रखा सुबह, क्योंकि विनय सर को ये पता था
कि इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए वही लोग आएंगे जो एक्टिंग करियर के प्रति सीरियस है। मैं थाने में रहता हूँ और थाने से मुझे अंधेरी वेस्ट तक आने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। मैं वहाँ से बस पकड़ता हूँ, बस पकड़ने के बाद वहाँ से थाने स्टेशन पहुँचता हूँ, थाने स्टेशन से मैं ट्रेन में अंधेरी तक आता हूँ, फिर अंधेरी से बस पकड़ के मैं ये क्लासेस अटेंड करता हूँ। विनय सर का जो थिंकिंग है वो बाकी यूट्यूबर्स से उल्टा है। सभी यूट्यूबर्स या बाकी यूट्यूबर्स ये चाहते हैं कि उनके पास भीड़ आए, पर विनय सर ये सोचते हैं कि उनके पास वही लोग आए जो करियर के प्रति, जो अपने एक्टिंग के करियर के प्रति डिसिप्लिन्ड है, एकदम सीरियस है, उन्हीं को सर ने एंट्री दी। इसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी एंट्रीज अभी भी आ रही हैं, बट विनय सर ने उन्हें एंट्री नहीं दी, क्योंकि सर का ये मानना है कि जो day 1 से आएगा उन्हीं को एंट्री मिलेगी। ये सर का स्ट्रिक्ट रूल है और यही बात मुझे सर की बहुत अच्छी लगी। Baby lights act, chalo karo tum lights act. Baby lights act, kuch karo tum lights act. Nu da vine shakya. Baby karo chalo lights act.